यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एप्पल वॉच सीरीज 7 के रिलेटेड, और यहाँ पर जो M1 एक्स मैकबुक प्रो है उसके रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिला है। साथ में साथ यहाँ पर एक बात बता दूं, यहाँ पर आज है फादर्स डे, ये चीज आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं था तो मैंने रिमाइंडर भी दे दिया है, और ऊपर से मैंने कल परसों 5G vs 4G वाली एक वीडियो बनाई थी, बहुत लोगों ने देखी नहीं है, 11-16 व्यूज आए। यहाँ पर बहुत सारे लोग बात करते हैं कि भाई एंड्रॉइड के ऊपर बात क्यों नहीं करते, कुछ ऐसे स्टफ के ऊपर बात करो जो यूनिक लगे। मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो पता नहीं व्यूज नहीं आता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो वीडियो का थंबनेल, तो यहाँ पर अभी इसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आईफोन के रिलेटेड भी बात किया है, और यहाँ पर प्रैक्टिकली 4G का क्या वैल्यू है, और यहाँ पर इंडिया में 5G का क्या चल रहा है, सीन सब कुछ समझाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल वॉच सीरीज 7 के बारे में। तो यहाँ पर अभी ये जो एप्पल वॉच सीरीज 7 है उसको आने में बहुत ही कम टाइम रह चुका है, 3 months लेफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो लीक्स रूमर्स है वो बहुत ही मिक्स्ड होने वाली है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे अपडेट्स आएंगे और फ्यूचर्स में वीडियो आने वाली है, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। बट यहाँ पर अभी कुछ अपडेट्स हैं वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो डिजाइन है वो फ्लैट हो सकता है, और यहाँ पर हमें थिनर बेजल्स मिल सकती है। यहाँ पर मेरे घर में जो सीरीज 4 पड़ी है उसमें जो बेजल्स है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ही पतली होने वाली है, तो ये चीज भी आप नोट कर सकते हो। और ऊपर से यहाँ पर जो लव टू ड्रीम है वो एप्पल वॉच के रिलेटेड एक ट्वीट करते हैं 1 mm, तो ये 1 mm थिकनेस बढ़ने वाली है, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर जो डिस्प्ले का रेशियो है वो बढ़ सकता है। अब ये चीज आप नोट कर सकते हो, बीच में न्यूज आई थी अपडेट देना था तो मैंने दे दिया है वीडियो में। और यहाँ पर अगर आप मुझसे ओपिनियन मांगते हो तो मुझे ऐसा लगता है ये जो एप्पल वॉच सीरीज 7 है ना वो शायद से रीडिजाइन नहीं देने वाली है। अब यहाँ पर मुझे किसी ने तो कुछ आइडिया दिया है, यहाँ पर कुछ चीजें नहीं बता सकता हूँ, बट स्टिल यहाँ पर मुझे लगता है कि भाई ये रीडिजाइन नहीं दे सकता है। हेस पर मैंने जो चीजें एनालाइज की और जो मुझे पता चला है उसके हिसाब से यहाँ पर जो ओरिजिनल जो एप्पल वॉच आई थी वो 2015 में आई थिंक सो आई थी, उसके बाद जो एप्पल वॉच सीरीज 1 आई और सीरीज 2 आई वो एक साथ ही आई थी, और वहां पर भी हमें डिजाइन चेंज देखने को नहीं मिला था। फिर उसके बाद सीरीज 3 आई थी, फिर उसके बाद सीरीज 4 में ये डिजाइन आया है, और ये जो डिजाइन है वो इतना बोरिंग नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पर अभी ये जो डिजाइन है वो शायद से यही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी, बैटरी एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी, और यहाँ पर हमें शायद से बिगर बैटरी देखने को मिले इसके हिसाब से, और यहाँ पर हमें जो चिपसेट है वो फास्टर देखने को मिले। अब यहाँ पर वॉच के हिसाब से यहाँ पर फास्टर चिपसेट हो तो उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर एप्पल वॉच सीरीज 3 जो है वो अभी भी फ्लूइड चलती है, तो इससे कोई इतना इश्यू नहीं होता है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी एप्पल वॉच सीरीज 7 के ऊपर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वहां से आपको सारी जो चीजें हैं वो क्लियर अप हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं पिक्चर एंड पिक्चर मोड के बारे में। अब यहाँ पर ये जो न्यूज है वो मुझे अच्छी लगी, बट ये जो है वो थोड़े थोड़े टाइम में रोल आउट होने वाला है, तो ये बहुत ही वियर्ड है। अब यहाँ पर जो पिक्चर एंड पिक्चर मोड है वो नेटफ्लिक्स, यहाँ पर जो अमेजोन प्राइम है, और यहाँ पर अगर आप यूट्यूब पे जाते हो सफारी के थ्रू से तो वहां से ये वर्क करता है, समटाइम वर्क नहीं करता है। ये ग्लोबली में सब कुछ चल रहा है, मगजमारी है। बट यहाँ पर जो पिछले साल iOS 14 और iPadOS 14 आया था तो वहां पर इश्यू था कि भाई यहाँ पर जो यूट्यूब है वो सपोर्ट नहीं करता था पिक्चर एंड पिक्चर मोड। यहाँ पर जो iOS 15 है वो ये सपोर्ट करने वाला है, और यहाँ पर जो बाकी सारे सॉफ्टवेयर आए हैं वो भी सपोर्ट करेंगे। बट ये जो फीचर है वो US में अभी रोल आउट हुआ है, फिर उसके बाद अलग अलग रीजन के हिसाब से आएगा, और ये जो न्यूज है वो ऑफिशियली यूट्यूब की तरफ से आई है। तो ये चीज आपको नोट करना है, और आपका क्या मानना है ये पिक्चर एंड पिक्चर मोड विथ यूट्यूब का प्लस ऑप्टिमाइजेशन, तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है बताना जरूर कमेंट सेक्शन बिलो में। यहाँ पर बात करते हैं M1X MacBook Pro के बारे में, लास्ट न्यूज है जो कवर अप करते हैं अभी वीडियो में। देखो सबसे पहली बात आपको थोड़ा ब्रीफ दे देते हैं, ये WWDC में अनाउंस नहीं हुआ था, एक्सपेक्टेशन थी कि M1X MacBook Pro और यहाँ पर जो M1X Mac Mini और यहाँ पर जो 16 इंच और 14 इंच जो MacBook Pro होने वाला है M1X के साथ वो भी एक्सपेक्टेड किया जा रहा था, बट वो रिलीज नहीं हुआ। एप्पल ने वो अपना पुराना जो काम है चेपना वो कर दिया। बट यहाँ पर जो प्राइवेट टैग्स होते हैं जो यूट्यूब का बहुत ही अच्छा फीचर है, वहां से हमें पता चल गया कि भाई M1X जो चिपसेट है वो एग्जिस्ट करता है, और ये नेमिंग स्कीम के साथ आने वाला है। और साथ में साथ ये भी पता चल गया कि भाई मैकबुक प्रो एग्जिस्ट करता है M1X के साथ, और वो जो चिपसेट है वो उसमें देखने को मिलने वाला है, तो ये चीज क्लियर अप हो जाती है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई मैकबुक प्रो में 4 USB-C थंडरबोल्ट वाले पोर्ट्स देखने को मिलने वाले हैं, और यहाँ पर SD कार्ड स्लॉट HDMI जो भी है वो भी सब कुछ मिलने वाला है। तो ये हल्का फुल्का जो अपडेट है वो मिल गया है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई अक्टूबर या फिर नवंबर में आ सकता है। अब इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो इतनी ऊपर हो चुकी है, और यहाँ पर साथ में साथ जो रिलीज डेट है
वो आगे जा रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई चिप्स की जो शॉर्टेज है उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम आ रही है, और साथ में साथ जो पुराने जो मैकबुक प्रो आते हैं M1 के साथ, साथ में साथ जो इंटेल के साथ आता है 16 इंच, जो 2019 से अभी तक आया नहीं उसके बाद से अपडेट, तो उनका जो स्टॉक है वो क्लियर अप होगा तभी उनको लॉन्च करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो मैकबुक का जो मार्केट होता है ना वो अलग तरीके से काम करता है, आईफोन जैसा नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ पर जो वीडियो है उसको लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और साथ में साथ जो बेल आइकन है उसको स्मैश करना मत भूलना। और ये हमारी थी एप्पल न्यूज वाली वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन वीडियो में बताना। हम लोग थोड़ा अलग तरीके से वीडियो बनाया है ये बार, तो प्लीज बताना जरूर कमेंट सेक्शन वीडियो में।